आप भी मेरे पास ही आ जाए, मैं आपके पास ही बैठी हूँ। असद आ जाए आप भी बैठे। मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर लूं। सुबह की देखना बेटे रजाई ना, रात कैसी गुजरी है। सलाम करो अपने, देखने आंटी कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? सलाम, ये मेरा भांजा भी है और दामाद भी है, तो ये भी चाय को शकीन आके बैठ गया चाय पीने। अल्लाह के फजलो करम से माशाल्लाह माशाल्लाह चाय बड़ी पीता है ये। हाँ, तो इनका ऐसा रहता बड़ा बारीक है, पता नहीं मैं जानू, मुझे तो इतना आइडिया नहीं, आपको पता। अल्लाह का खौफ खाओ, एडी छोटी की रखी ही है, कोई वड्डी रखो जे। अल्लाह मां पे तो दाटा बाहर डुलन दे, तो दाल डुलन दे। सॉरी मजा, उसके नाल ही रखो किनारे, लो मिट्टी की। हां ओथे था अपने घर दे विच ना, जो मकान बना दे था ना सी, ओदो कोई मतलब ठंडा मिट्टी दा कड़ा पानी दा पाके तुसी मेरे रखियो अपने घर हैं। लेकिन कसमे मुझे जरा मजा नहीं आन दिया, वो छोटी है ना। हाँ, बड़ा बर्तन हो, खुला बर्तन हो, वे सारे बहुत छोटी है, आई तो मैं बर्दाश्त कर रही हूं, नेक्स्ट टाइम ही करूंगी। हाँ, नेक्स्ट टाइम है ना बड़ी किनारी हो। एक बड़ी भी पड़ी है वो ना, और सामान में पड़ी है। अच्छा जी, दस दिन का सामान बंद पड़ा हुआ है, इन्होंने शिफ्ट होना है, हर चीज अपने घर में खो देंगे, इसलिए उन्होंने हर चीज बंद करके रखी। मगर मेरी बेटी बड़ी सुगर है, सुगर है माशाल्लाह, हर चीज इसने रखी हुई है, तो इसलिए मुझे छोटी में पसंद नहीं है। गुजारा करें इधर, इसमें इतने बर्तन निकाल के फिर दोबारा फिर लेके जाना। हाँ, दोबारा फिर पैक करने में मुश्किल होने ना। इसे मैंने कहा है कोशिश करके इसलिए गुजारा गुजारा करें। हाँ, ये देखे ना आटा इतना मेरे से बाहर गिरा ना, जैसे कि चज्जे लोग नहीं मन गोंद में आटा। हाँ, क्योंकि मैं तो मिट्टी की किनारी रखी हुई है, मिट्टी की हांडियां है, उधर जो कोई मिट्टी की दुकान आती है ना मिट्टी के बर्तन वाली, तो फौरन उस पे रुक जाती हूँ, कुछ ना कुछ खरीद लेती हूँ। तो ये हम आटा गूंद रहे हैं। आज मैंने कहा मैं अपने देखने वालों को ये भी देख दिखा दूं सीन कि मैं बड़े काम किए हैं मैंने जिंदगी में। वैसे मझां दा दुद्ध भी चोया है, फिर दुद्ध रिड़के भी ने, फिर बच्चे भी छोटे छोटे होंदे सन, सारा काम करदे सन। यकीन करो इतनी बिजी लाइफ, इतना सुकून, इतना मजा आंदा होंदा सी ना अपनी जिंदगी, सादगी जिंदगी सी। हुण ते ओह गल्लां ही नहीं रहियां, आप ही आटे गुनने, आप ही हांडियां पकाने, ठीक सी नौकर होंगे सा, दूसरा काम करते सा, लेकिन नए काम खुद ही करते सा। दिखाओ दिखाओ वीडियो बनाए। अब मैं डाल दी इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक से जरा आता है ना बड़ा प्यारा जाता है, थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ी देर रखूंगी, इसके बाद आटा जो है ना बड़ा प्यारा हो जाता है, नरम सा हो जाता है। आलू जो है ना उनके छिलके उतार रहे हैं। मैं बाहर जा रही हूँ, मैंने अपने बेटी के पौधे देखे हैं तो बाहर पड़े हुए हैं ना, तो मैंने कहा ये शेड के नीचे करते हैं। चरण जी मम्मी आपको मैं ये दे दूँ, बोर्ड दे दूँ, बोर्ड पे है बोर्ड। हाँ, इसको साइड पे कर देते हैं, और ये हमारे आलू हो गया तैयार। अरे डिंगा नहीं है ये, थोड़ा सा नहीं ऐसी। चले अब मैं बोर्ड पे कटिंग कर लूँ। आज तो आप कहेंगे कि आंटी कोई कह रहा है, अम्मी कह रहा है, कुछ जो मुझे मर्जी करे, मुझे अच्छा लगता है कि हम हाथ बुजुर्गों में शामिल हो गए ना, तो ये मेरे बच्चे भी देखेंगे, मेरे बुजुर्ग भी देखेंगे, मेरी बहन भाई भी देखेंगे कि आज तो बड़ी कुकिंग हो रही है। तो बेटी के घर आई हूँ, मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ तो करूँ ना, इंसान फर्क बैठ के और बीमार होता है, तो मैं एंजॉय कर रहे हैं अम्मी के साथ। हाँ, मेरे बच्चे भी, बेटी भी एंजॉय कर रही है, अम्मी भी चलो लगे हुए हैं साथ, गपशप भी लगा रहे हैं, हमारी वीडियो भी बन रही है,
और हम अम्मी ज्यादा शौक से अपने व्यूअर्स के लिए बना रहे हैं ये। हाँ ये तो बात है, है बेटे ये अम्मी अपने व्यूअर्स के लिए ज्यादा शौक से बना रहे हैं, तो मैं इनको दिखाऊं कि मैं कैसे कुकिंग करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुकिंग भी बड़ी अच्छी कर लेती हूँ। लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ना अमेरिका आए तो मिलके बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं ना गर्मियों में जरूर आऊंगी अपने सब बच्चों के पास, उधर सब मेरी फैमिली है, तो इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी गर्मियों में, क्योंकि इस दफा बेटी आ गई थी, एक साल वो आती है एक साल मैं जाती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह जरूर उधर भी बनाएंगे ब्लॉग, उधर भी अपने देखने वालों से शेयर करेंगे, अपने बच्चों से, अपनी माँ बहनों से, बेटियों बेटों से करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये कटिंग होगी हमारी, अब हम इसे डब्बे में डाल देंगे। ये मेरी कटिंग आप देखिए, आज करते ही थे काम ये माँ के हाथों से, कितना प्यारा लग रहा धनिया कटता हुआ भी। तब हम फ्रिज से निकाल रहे लहसुन और मिर्च। ये देखिए मम्मी अब आलू में अब धनिया डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैं डालूंगी सूखा धनिया, मेरा तो अंदाजा ही काफी है। बिल्कुल अम्मी मेथी है जी, और साथ मेरी नवासी हेल्पर आ रही है मेरी, ये माशाल्लाह बड़ी, और जीरे को हाथ पे और ये क्या है, गरम मसाला है। हाथ से डाल अच्छा नमक दो बेटे, वो नमक लाल मिर्च नहीं पानी डालनी है। हाँ लाल मिर्च निकालो, काली मिर्च दो नानो को बेटा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये नाना की बनी है, हाथ की बनी हुई लाल मिर्च। चले थोड़ी सी नून डाले, हल्दी भी डाल दो। ये कितना पतला है, ये डालो थोड़ी सी, इतनी बहुत और डाल दो। हरी मिर्च नहीं डाली बेटे, हमें हरी मिर्च भी डालनी है अभी। चल डाल दो, थोड़ा सा डाल दो, जो काम हाथ से होते हैं ना बेटे, वो ना चमचे छुरियों से हो सकते हैं। बिल्कुल, और अम्मी हाथ से तो टेस्ट है, टेस्ट है बाकी। एक तो मैं जहां भी जाऊं मैंने कभी चमचे नहीं इस्तेमाल किए, ना कांटे ना ये वो, मैं हमेशा हाथ से खाती हूँ जहां भी जाऊं। ये तो मुझे शर्म नहीं आती कि लोग क्या कहेंगे। हाँ चलेंगे, तो मैं दो छुरी दे दे। अब हो गया हमारा मुकम्मल, पीछे बर्तन भी धुले पड़े हैं सारे, धनिया भी काट के धो दिया बर्तनों में। अम्मी देखें जरा धूप पड़ रही है सामने, ये तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है जब घर बनाए, तो पहले ये सोचे कि हवादार हो रोशनदार।